वो कहाँ से था? सर हम आए नासिक से, हमारा नासिक। नासिक महाराष्ट्र से हमारा अच्छा अच्छा कंस्ट्रक्शन कुछ काम है, तो इसके लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमको कुछ मार्बल चाहिए था। तो हाँ किसी ने रेफर किया हमको कि यहाँ पे आके आप देखिए, तो हाँ इसलिए हम हाँ यहाँ पे देखने आए। अच्छा। वैसे प्रॉपर एड्रेस कहाँ पे है नासिक में? नासिक में सर प्रॉपर नासिक में द्वारका करके एक जगह है जहाँ हाँ पे हमारा ऑफिस है, अच्छा, और नासिक के पास में वनी करके एक जगह है जहाँ पे हमारा काम चल रहा है। वही नासिक। हाँ नासिक, नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में हमारा मेन बिजनेस है जहाँ बिजनेस पे काम आपका? करते हैं जी, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है ठीक है, तो आपको माल दिखाता हूँ मैं। जी। देखिए आप, इसको भी ये, इसको निजरना बोलते हैं, निजरना। निजरना वाइट। अच्छा। पूरा सेफ डायमंड आएगा इसका, और ग्रे कलर का इसके अंदर डिजाइन आएगा। ओके। ये डिजाइन जैसे थोड़ा थोड़ा जैसे हल्का आता है, थोड़ा सा बट भी जाएगा अंदर, अच्छा। एक जैसा सेम नहीं चलेगा, इसीलिए इसका प्राइस थोड़ा सा लोअर, 30 रुपये के रेट के अंदर है ये। ओके। और एक ही आता है स्ट्रेट लाइनिंग के अंदर, बोलते हैं मकरण डोंगरी, ये डोंगरी का माल है ना। अच्छा इसको डोंगरी ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल डोंगरी तो 600 से 700 रुपए फुट का आता है, अच्छा उसका जीरो स्कोप ही ये राजनगर का पत्थर है, आड़ना बोलते हैं इसको। अच्छा बहुत से झूठ बोल के डोंगरी बोल के इसको सेल कर देते हैं कस्टमर को, अच्छा लेकिन इसका आड़ना बोलते हैं। ये भी अच्छा 30 रुपए के रेट के अंदर है इसका पूरा। देखो ये, देखो आप, ये 30 रुपए के रेट के अंदर है, आएगा पूरा सेम कलर, सेम आएगा अच्छा ग्रे कलर में। इसको झांझर बोलते हैं क्रॉस में, और एस्टेट के अंदर डूंगरी पैटर्न बोलते हैं, मतलब आड़ना डूंगरी पैटर्न। अच्छा पैटर्न, ओरिजिनल नहीं है। इसके अलावा फिर आपको दिखाता हूँ मैं एक क्वालिटी और। आओ देखो, ये मोरूड का माल है। यहाँ पे नीचे लौटाओ इसको। अब ये वाला मोरूड जो आपने लिया ना 58 की प्राइस में लिया, हाँ वो वाला माल, ये मोरवोड का माल है। ये सारा मोरवोड आएगा, बेस पूरा वाइट आएगा, हल्का हल्का ग्रीनेस आएगा इसके अंदर। इसका डिज़ाइन बिल्कुल कारपेट का डिज़ाइन बनता है, उसी तरह का डिज़ाइन है, और इसमें डायमंड सेट बनेगा। और ये मजबूताई भी बहुत अच्छा आता है, कैल्शियम भी अच्छा आता है इसके अंदर, ये कभी पीला नहीं पड़ता है। ये वाला वैसा 65 की प्राइस में है। हाँ वो 58 में मिला आपको, 58 में दिया मैंने। ये पूरा सतवारी आता है, पूरा इटालियन लुकिंग का माल आता है ये। ओके। और इसका डिजाइन पूरा रेसा देखो, बिल्कुल लाइनिंग टू लाइनिंग जैसा, लाइनिंग टू लाइनिंग बर्फी टाइप का डिजाइन बनेगा। इसका खासियत सर ये है कि ये यहाँ का इंडिया का पत्थर है, तो इसीलिए इसका रेट थोड़ा लो है। अगर ये बाहर से आता तो इसका थिकनेस 20 mm 20 mm थिकनेस होता है, और इसका कॉस्ट बढ़ जाता है वहाँ का भाड़ा, और वहाँ का जैसे टैक्स हुआ बाकी का, यहाँ का गवर्नमेंट का टैक्स हो जाता है, और वहाँ का बाहर का टैक्स हो जाता है, तो इसका कॉस्टिंग बढ़ जाता है। अच्छा। ओरिजिनल सतवारिया तो 800 से 900 रुपये फुट आता है। अच्छा। इसका रेट है सर ये 50 रुपये। तो भगत जी भी बताइए कि ये आपके रेट किस तरह है, मतलब इसका जो साइज होता है वो हिसाब से अलग अलग चीज़ों के रेट डिसाइड होते हैं आपके? बराबर साइज से नहीं होता है, जैसे इसको लेटा ना नीचे, इनको लेटाओ देखो, साइज से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। साइज मेरे पास बड़ा साइज भी है, वो भी आपको 30 रुपये में मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन उसमें क्या क्रेकनेस फिलिंग वो मेटेरियल आता है, हाँ, और वो राजनगर का पत्थर आता है, तो वो रेट कम हो जाती है। अच्छा। अगर मोरवोड लेते हो आप, जैसे ये पूरा वाइट का लोट है, पूरा बॉक्स आएगा, पूरा सिमिलर आएगा, इसका वाइटनेस और ग्लेस देखो आप कितना प्यारा है, बहुत ही बढ़िया। और इसकी ट्रांसलेशन भी देखो आप, मतलब पूरा आर से पार हाथ दिख जाएगा इसमें। अच्छा। पूरा मतलब आर से पार दिखेगा, ये है कैल्शियम मात्रा इसके अंदर, इसीलिए इसमें आर से पार हाथ दिखेगा, इसीलिए इसका लोट छोटा है, लेकिन रेट वही है इसका 65 का। अच्छा। अब जैसे ये वाला लोट भी देखो आप, ये भी पूरा गणेश वाला माल है, मतलब पूरा आर से पार हाथ देख लो इसमें, ट्रांसपेशियन है,
मोरवड़ का यही खासियत है, कैल्शियम मात्रा पूरी आती है इसके अंदर। इसके बाद के अंदर ये वाला लोड देखो, ये भी पूरा फ्रेश आएगा, सिमिलर आएगा, इसमें कारपेट का डिज़ाइन बनेगा। नीचे लेटाना इसको, कारपेट टाइप का डिज़ाइन बनेगा। अच्छा, अब इसका कारपेट डिज़ाइन बन गया तो इसीलिए इसका रेट हो गया 35 रुपये। तो हम जैसे यहाँ पे आए हैं, हाँ तो यहाँ पे हम बहुत सारे मंडी में काफ़ी जगह घूमे, हमको वाइट स्टोन चाहिए था मार्बल में, तो दो दिन से घूम रहे थे हम, तो आते आते हमको लगभग आपका दुकान जब दिखा यहाँ पे रास्ते में, ये मकराना रोड पे ही बराबर, मकराना रोड पे, मकराना पे। तो ये मुझे बताइए कि बाकी जो मंडी में हमने माल जो भी देखा है, तो उसके हिसाब से आपके यहाँ का माल भी अच्छा था, आपका रेट भी उनसे कम है, तो क्या खासियत है आपके माल में या दूसरे माल में क्या फ़र्क है? सर खासियत ये है कि एक तो हम पूरा साफ सुथरा काम करते हैं। मेरा नाम भगत सैनी है, मैं किशनगढ़ से, मकराना रोड पे हमारा गोदाम है ये, और मार्बल वर्ल्ड के नाम से हमारा फर्म है। अच्छा, खासियत ये है कि एक तो एक कस्टमर के साथ में कोई भी डील करते हैं तो पूरा सच्चाई से करते हैं, एक कहीं पे भी झूठ वगैरह नहीं बोलते। अगर जो क्वालिटी हम बताते हैं उसके अंदर फर्स्ट टू लास्ट पूरा सिमिलर निकलता है। अभी आपने हमसे यहाँ से कम 18,000 रुपये आपने हमसे माल परचेज किया है ना, तो आपने 3 दिन से मंडी घूमे, 3 दिन के मंडी का आपने भी देखा होगा जी, हमसे माल क्यों लिया था? आपको कुछ संतुष्टि होगी तभी तो। संतुष्टि लगी हमको, हम आपका माल का क्वालिटी अच्छा है आपका, और जो आगे दिखाया गया पीछे तक सेम माल है, कोई फर्क नहीं, फर्क नहीं आएगा माल। दूसरी बात, यहाँ पे कोई ऐसा वैसा काम नहीं है, कोई क्रेक फिलिंग वगैरह का काम नहीं है, फ्रेश माल देते हैं। आपने पूरी मंडी के लिए इसलिए घुमा क्योंकि आप संतुष्ट नहीं हुए, बराबर, फिर हमारे पास 3 दफे आप वापस आए रिटर्न लौट के, बराबर है ना। आपने हमारे से ये मान के चलो जो भी अपने प्राइस हुआ, जैसे 58 के अंदर आपने परचेज किया हमसे माल जी, 58 रुपये में आपने परचेज किया, आपने मेरे को 50 रुपये लगा के गए, मैंने मना कर दिया इस पर, बराबर, आप संतुष्ट हुए। उसके बाद में भी मेरे को बोले कि आप 58 नहीं दूंगा लेकिन मेरे को माल अच्छा चाहिए, बराबर। अब आप जैसे आपका ये गाड़ी लोडिंग हो रहा है ये वाला जी, तो इस गाड़ी के अंदर आप खुद देख रहे हो गाड़ी लोडिंग के अंदर कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत फास्ट लोडिंग हो रहा है, फास्ट लोडिंग हो रहा है, कहीं मेजरमेंट में कहीं दिक्कत आ रहा है? नहीं, कोई मतलब आपके हम जो ट्राई कर रहे थे गाड़ी के लिए, हाँ, तो आपने जब फोन किया तो लगभग एक 20 मिनट में गाड़ी यहाँ पे आ गई, 20 मिनट में गाड़ी आ गई, गाड़ी तुरंत अवेलेबल हो गई, और एक जो भाड़ा होता है बिल्कुल जिनाइन भाड़ा, रिजनेबल भाड़ा, मतलब कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह नहीं है। बहुत से क्या होते हैं कि भाड़े के अंदर भी उनका कमीशन खा जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो वो काम हमारा नहीं है, और हम केवल स्पष्ट काम करते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा, ईमानदार से। हमें पता है सर कस्टमर बहुत दिक्कत आती है पैसे कमाने के अंदर, वो पता नहीं कौन सी मजबूरी के अंदर पैसा कमा के लेके आता है, और यहाँ पे ला के कस्टमर के साथ के माने कोई चीटिंग करे, उसके साथ धोखा करे, तो वो काम मेरा नहीं है, भगत सैनी का। क्यों? अगर मैं जो भी चीज़ बोलूँगा साफ सुथरी बोलूँगा और स्पष्ट बोलूँगा कि इसके अंदर ये चीज़ आएगी तो वो चीज़ आएगी, और नहीं आएगी तो नहीं आएगी। सही बात। अगर मैं किसी से अगर झूठ बोल के उनसे माल दे भी दिया तो ये मान के चलो मेरे दिल को संतुष्टि नहीं मिलेगी, और रिलेशन भी उतना डेवलप नहीं होता, भी नहीं निकलेगा, डेवलप नहीं होता। आप संतुष्ट कैसे हुए? मेरे माल से ही हुए, बराबर है ना, आपके माल से। आपने रेट में भी आप एकदम क्लियर रहे, आपने जो सही रेट था मार्केट में भी हमने जो रेट देखा वो हिसाब से आपका रेट भी अच्छा था, आपका माल भी अच्छा था, और इवन जो आपने मेजरमेंट भी किए मैं देख रहा था वहाँ पे, हाँ? तो आपके मेजरमेंट भी सही थे, मतलब जितना कट हो रहा था, हाँ? जो कट टुकड़ा जो होता है तो आपके आदमी ने वो ज़्यादा छोड़ के लेस करके ज़्यादा, मतलब कस्टमर का बेनिफिट ज़्यादा हुआ, यही किया हुआ है। हाँ, अब जैसे मैं आपको माल, जरा मुझे माल दिखाइए, माल दिखाता हूँ, जैसे ये वाला माल है सर, इसको बोलते हैं वैसे बहुत से क्या बोलते हैं इसको, मकराना का अलवेटा बोलते हैं, लेकिन ये अलवेटा नहीं है, ये केवल यहाँ का झांझर का माल बोलते हैं इसे। अच्छा, इसका कॉस्ट बहुत कम आता है, ये 30 रुपए की रेट के अंदर है, इसके अच्छा। अंदर ग्रे टाइप का ये डिजाइन बनता है, बर्फी टाइप का, इसीलिए इसका कॉस्ट कम है। अच्छा, इसके बाद के अंदर जैसे ये वाला लोट देखते हो, ये भी झांझर का लोट है, ये भी डायमंड सेट के अंदर बनेगा। अच्छा, आएगा पूरा फ्रेश सिमिलर आएगा, कोई वेरिएशन वगैरह भी नहीं आएगा, बस इसका डिजाइन थोड़ा सा ये कालापन आने की वजह से इसका रेट लो गया। लो गया, हाँ,
अगर इसके अंदर आप जैसे थोड़ा सा क्वालिटी ऊपर लेते हो, जैसे अभी आपने लिया 58 के अंदर जैसे मोरवड का लोट लिया, तो उसमें केवल ग्रीननेस आएगा और ग्रे कलर नहीं आएगा, बेस पूरा व्हाइट आएगा, ज्यादा से ज्यादा व्हाइट रहेगा, बेस व्हाइट रहेगा उसके। इसके अंदर ये मान के चलो 40% कैल्शियम आता है और उसके अंदर आता है 100% कैल्शियम, ताकि ताल लाइफ कभी पीला नहीं पड़ेगा वो माल। हाँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट वही चीज। हाँ, वो मेन खासियत है कि अगर घर में कोई माल लगाए, मार्बल लगाए, अगर मार्बल लगाते वो मतलब इतनी इच्छा होती है कि अपना एक मार्बल लगा के अपना घर सुंदर बने। अब वो क्या करते हैं कि जैसे उनके साथ धोखा कर जाते हैं, 30 वाला माल भी उनको 60 रुपए में दे देते हैं, क्वालिटी नहीं देते, फिर वो 5 साल बाद में पीला पड़ने लग जाता है। तो ऐसा काम नहीं है इसका। आप चाहो तो एग्रीमेंट लिखा लो मेरे से, इसका 50 साल तक का गारंटी इस माल का। अच्छा।